अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन इन अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोपोलॉजी एंड एसेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज एक्स हमारे पास एक एनानिमिटी सेट है और अटैक क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स की जो सबसेट है उसका कलेक्शन है। तो इस टॉप को हम कहेंगे कि यह टोपोलॉजी है इस एक्स के ऊपर अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि फाई, ठीक है, एम टी सेट और एक्स बजत खुद था के अंदर मौजूद होने चाहिए। सेकंड है अगर हम एनी टू मेंबर ले टा की तो उसकी इंटरसेक्शन भी टा के अंदर मौजूद होने चाहिए, यानी कि इफ़ यू वन यू टू बिलोंग टू टा देन फिर उसकी जो इंटरसेक्शन है यू वन इंटरसेक्शन यू टू वो भी बिलोंग करना चाहिए टा में। थर्ड कंडीशन है यूनियन का, अगर हम एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा ले तो उसकी यूनियन भी टा के अंदर मौजूद होनी चाहिए, यानी कि इफ़ यू वन यू टू यू थ्री एंड टू सो ऑन बिलोंग टू था एनी नंबर, ठीक है, देन फिर उसकी यूनियन यू वन यूनियन यू टू यूनियन यू थ्री यूनियन एंड टू सो ऑन बिलोंग टू टा। अगर ये तीन कंडीशन या टा सेटिस्फाई करता है तो इस टा को हम कहते हैं कि ये इस नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर क्या है, टोपोलॉजी, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी डिफिनीशन की तरफ। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, ए कलेक्शन टा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज सेट टू बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और टा किया है कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। तो इस टा को हम कहेंगे टोपोलॉजी इज नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन है कि एम्प्टी सेट और एक्स ये टा के अंदर मौजूद होने चाहिए, द एम्प्टी सेट फाई एंड द सेट एक्स इट सेल्फ बिलोंग टू टा। सेकेंड कंडीशन है अगर हम एनी टू मेंबर ले टा की तो उसकी इंटरसेक्शन भी टा के अंदर मौजूद होनी चाहिए, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन टा बिलोंग्स टू टा, दैट इज इफ यू वन यू टू बिलोंग टू टा देन देयर इंटरसेक्शन भी टा के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने सिर्फ टू मेंबर्स लिए हैं टा के, तो ये जो मेंबर्स की तादाद है ये हम एनी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग टू टा, यानी अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा ले, ठीक है, यू वन टू यू एन, तो फिर उसकी इंटरसेक्शन भी टा के अंदर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ, द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग्स टू टा, यहाँ पे है एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा, अगर हम एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा ले तो उसकी यूनियन भी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो यूनियन में है एनी नंबर ऑफ मेंबर लेकिन इंटरसेक्शन में है फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में, यह टोपोलॉजी की डिफिनीशन में इंटरसेक्शन में हम एनी नंबर ऑफ मेंबर नहीं ले सकते, ठीक है, फाइनाइट, ठीक है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह अलग वीडियो में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन यूनियन में हम एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा ले सकते हैं, ठीक है। ये जो थर्ड वाला है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ़ यू लैम्डा लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट बी अ सब कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा देन फिर उसका यूनियन, ठीक है, यूनियन यू लैम्डा लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट बिलोंग टू टा। ये जो कॉन्सेप्ट है इंडेक्स सेट वाला इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लास्ट में, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में। ये बहुत अहम टॉपिक है, अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये हम किस तरह लिखते हैं, ठीक है, ये हम आगे इंशाल्लाह जो थ्योरम है, ठीक है, उसके प्रूफ में यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और टा इसके ऊपर टोपोलॉजी है, तो एक्स और टा की जो पेयर है इसको हम कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस, और ये जो है ना हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते, कहता है इफ टा इज अ टोपोलॉजी ऑन ए सेट एक्स, अगर टा टोपोलॉजी है किसी सेट एक्स पर, देन द पेयर एक्स वटा इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल स्पेस, तो एक्स वटा की जो पेयर है इसको हम कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स वटा इज सिंपली रिटन एज एक्स, ये जो है ना हम इसकी बजाय सिंपली एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर इट विल बी अंडरस्टूड दैट देयर इज सम टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो ये अंडरस्टूड होगा कि इस एक्स के ऊपर कोई ना कोई टोपोलॉजी डिफाइन है, ठीक है। द सेट एक्स इज कॉल्ड अंडरलाइनिंग सेट और द ग्राउंड सेट, ये जो एक्स है इसको हम अंडरलाइनिंग सेट भी कह सकते हैं या ग्राउंड सेट, ठीक है। अब है मेंबर्स ऑफ अ टोपोलॉजी टा ऑन ए सेट एक्स आर कॉल्ड ओपन और टा ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ये जो टा है हमें क्या है, ये एक्स की सबसेट का कलेक्शन, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सबसेट ऑफ एक्स या टा ओपन सबसेट ऑफ एक्स, वाइल एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड इट्स पॉइंट्स, लेकिन एक्स के जो एलिमेंट है उसको हम उसकी पॉइंट कहते हैं, ठीक है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। लेट एक्स हमारे पास यही सेट है ए ओ बी, और अठा हमने इस एक्स की सबसेट का कलेक्शन लिया है फाई ए बी एक्स। कहते हैं कि आप लोग ये चेक कर ले कि ये अठा जो है ना इस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है कि नहीं है, ठीक है। तो हम वो तीन कंडीशन जो टोपोलॉजी कहते हैं वो डिस्कस, ठीक है, चेक करेंगे कि आया वो सेटिस्फाई होते या नहीं होते, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि एम्प्टी सेट और एक्स बताते खुद ठा के अंदर मौजूद होने चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड कंडीशन है सिंस फाई ए बी एक्स ये तो ठा के मेंबर है, ठीक है, बिलोंग करते हैं ठा में, तो अब फाई का अगर हम इटसेल्फ के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो फाई के बराबर है और वो ठा के अंदर मौजूद है। अब फाई का अगर हम इस सेट ए के साथ लें तो फिर फाई आता है तो ठा के अंदर मौजूद है। अब फाई का अगर हम इस सेट बी के साथ लें इंटरसेक्शन तो फिर फाई आता है, वो ठा के अंदर मौजूद है। अब फाई का अगर हम एक्स के साथ लें तो फाई वो भी ठा के अंदर मौजूद है। अब इस के ऊपर आते हैं, अब इस सेट का अगर हम इटसेल्फ के साथ इंटरसेक्शन लें तो यही सेट आता है और वो ठा के अंदर मौजूद है। अब इस सेट का अगर हम इस बी के साथ ले तो एम्प्टी वो ठा के अंदर मौजूद है। अब इस सेट का अगर हम एक्स के साथ ले तो यही ए आता है इंटरसेक्शन और वो ठा के अंदर मौजूद है। अब इसका बारी गुजर गया, अब इसके ऊपर आते हैं बी, तो इसका अगर हम इटसेल्फ के साथ इंटरसेक्शन ले तो यही आता है और वो ठा के अंदर मौजूद है। अब इस बी का अगर हम एक्स के साथ ले इंटरसेक्शन तो बी वो ठा के अंदर मौजूद है। अब एक्स का अगर हम इटसेल्फ के साथ इंटरसेक्शन ले तो एक्स और वो ठा के अंदर मौजूद है। तो सेकंड जो कंडीशन था इंटरसेक्शन का वो भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते, वो यूनियन वाला, चूँकि फाई ए बी एक्स ये तो ठा के मेम्बर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये ठा के मेम्बर है। तो अब फाई हम स्टार्ट लेते, फाई का अगर हम इटसेल्फ के साथ यूनियन ले तो फाई वो ठा के अंदर मौजूद है। फाई का अगर हम इस ए के साथ ले तो फिर यही ए आता है यूनियन में और वो ठा के अंदर मौजूद है। अब फाई का अगर हम इस बी के साथ ले तो बी वो ठा के अंदर मौजूद है। अब फाई का अगर हम एक्स के साथ तो एक्स और वो ठा के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसके ऊपर आते ए, ठीक है। अब इस ए, ठीक है, तो ए का अगर हम इटसेल्फ के साथ यूनियन ले तो ए वो ठा के अंदर मौजूद है। अब ए का अगर हम बी के साथ ले तो ए व बी और वो एक्स के बराबर वो ठा के अंदर मौजूद है। अब इस ए का अगर हम एक्स के साथ ले तो एक्स और वो ठा के अंदर मौजूद है, यूनियन, ठीक है। अब इसके ऊपर आते हैं, बी का अगर हम इटसेल्फ के साथ यूनियन ले तो बी वो ठा के अंदर मौजूद है। बी का अगर हम एक्स के साथ यूनियन ले तो एक्स वो ठा के अंदर मौजूद है। अब एक्स का अगर हम इटसेल्फ के साथ यूनियन ले तो वो ठा के अंदर मौजूद है। और अगर इस ए बी एक्स इन तीनों का एक्स साथ यूनियन ले तो फिर एक्स के बराबर वो भी ठा के अंदर मौजूद है। तो थर्ड जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गया जो यूनियन वाला था। तो इसका मतलब है कि तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो ये जो ऊपर ठा है ये क्या है, टोपोलॉजी है इस नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर। सो ठा सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी, देयरफॉर ठा इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये जो ठा हमने लिया था इस एक्स के ऊपर तो ये क्या है, टोपोलॉजी है इस नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीके? आप लोग देख सकते हैं लेट एक्स हमारे पास ये नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और इसमें हमने एलिमेंट लिए ए बी सी, और हमने इस एक्स की जो सबसेट है उसका डिफरेंट कलेक्शन लिए, ठीक है, टा वन टा टू टा थ्री टा फोर टा फाइव टा सिक्स, इन सब में इस एक्स के सबसेट है, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये टा वन इस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है, ये टा टू इस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है, ये टा थ्री टा फोर टा फाइव, ये सब हम चेक करेंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट वन है, ठीक है, इसमें अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं, ठीक है, टोपोलॉजी के तीन कंडीशन, तो आप लोग इजिली चेक कर सकते हैं। फाई और एक्स तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है। अब आप लोग जो है ना इंटरसेक्शन चेक करें, इस फाई का इटसेल्फ के साथ इंटरसेक्शन ले, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इस मेंबर पर आ जाए तो इसका इटसेल्फ के साथ, फिर इस सेट के साथ, तो आप लोग चेक कर सकते हैं ये क्लियरली एटा वन जो है ये टोपोलॉजी है, ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है, यूनियन वाला भी, इंटरसेक्शन वाला भी। ये सेकंड वन जो है ना इसमें भी आप लोग चेक कर सकते हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते, फाई एक्स बी इसके अंदर मौजूद है और इंटरसेक्शन और यूनियन वाला। अब इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था इस तरह आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है इस एक्स के ऊपर क्या है, टोपोलॉजी है। लेकिन अगर आप लोग टा थ्री जो है ना ये भी सबसेट एक्स की सबसेट का कलेक्शन है,
अब अगर इसमें हम चेक करना चाहते हैं टॉपोलॉजी की जो कंडीशन है, तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो फेल होता है। यहाँ पे एम्प्टी सेट मौजूद नहीं है इसके अंदर, एम्प्टी सेट डज नॉट बिलोंग टू टॉप 3। तो ये जो टॉप 3 है ये एक्स के ऊपर टॉपोलॉजी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देख टॉप 4 में, तो 5 और x फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होता है, वो इसके अंदर मौजूद है। सेकंड कंडीशन है इंटरसेक्शन वाला, वो भी सेटिस्फाई होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला। लेकिन अगर हम ये जो 2 मेंबर है ये इस सेट और इस सेट का अगर हम यूनियन लें, ठीक है, तो वो क्या आता है, ए व बी, ये दो सेट जो है ना उसका अगर इसका अगर हम यूनियन लें तो वो आता है ए व बी, और वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू टॉप 4 इसका यूनियन, ठीक है, इन दो सेट का यूनियन यही आता है और वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये जो टॉप 4 है ये टॉपोलॉजी नहीं है इस एक्स के ऊपर, टॉपोलॉजी नहीं, क्योंकि यूनियन वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉप 5 की तरफ। फर्स्ट कंडीशन, ये टॉप 5 फर्स्ट कंडीशन इसमें फेल होता है, यहाँ पे एक्स बिलोंग नहीं करता है टॉप 5 में, तो ये जो है टॉपोलॉजी नहीं है इस एक्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर ले, इसमें फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है, 5 और x इसके अंदर मौजूद है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है इंटरसेक्शन वाला, ये दो मेंबर जो है ना इसका अगर हम इंटरसेक्शन ले, a व b, इंटरसेक्शन a व c, तो हमारे पास आता है a और वो इसके अंदर मौजूद नहीं है टॉप 6, तो ये टॉपोलॉजी नहीं है इस नॉन एम्प्टी सेट x के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसी एग्जांपल से रिलेटेड हम एक दो रिमार्क डिस्कस करते हैं, बहुत अहम है, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिमार्क है, द अबव एग्जांपल शो दैट देयर मे बी मोर देन वन टॉपोलॉजी ऑन एक्स, बट नॉट एवरी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज अ टॉपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। ये जो अभी हमने एग्जांपल किया, ठीक है, कहते हैं कि इससे शो होता है कि किसी सेट एक्स के ऊपर एक्स से ज़्यादा टॉपोलॉजी भी हो सकते हैं। यह एक्स है, इसके ऊपर टॉप 1 भी टॉपोलॉजी है और टॉप 2, तो टॉप 1 टॉप 2 आपस में डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि इस एक्स के ऊपर एक्स से ज़्यादा टॉपोलॉजी डिफाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी सेट एक्स के ऊपर एक्स से ज़्यादा टॉपोलॉजी भी हो सकते हैं। सेकंड कहते हैं कि अगर इस एक्स के सबसेट का अगर हम एनी कलेक्शन लें, तो इसका मतलब ये नहीं कि एनी कलेक्शन इसके ऊपर टॉपोलॉजी होगा, जैसे कि टॉप 3 इस एक्स के सबसेट का कलेक्शन है, मगर इस एक्स के ऊपर टॉपोलॉजी नहीं है। इस तरह टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6 ये इस एक्स के सबसेट का कलेक्शन है, मगर इसके ऊपर टॉपोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो अब सेकेंड रिमार्क की तरफ हम बढ़ते हैं, इफ सेट एक्स कंटेन्स वन एलिमेंट देन देयर इज ऑनली वन पॉसिबल टॉपोलॉजी ऑन एक्स, अगर कोई सेट एक्स वन एलिमेंट कंटेन करते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ वन टॉपोलॉजी पॉसिबल होगा, जैसा कि एक्स यहाँ पे वन एलिमेंट ए कंटेन करते हैं, तो इसके ऊपर सिर्फ यही एक टॉपोलॉजी पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई टॉपोलॉजी इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इफ सेट एक्स कंटेन्स टू एलिमेंट्स देन देयर आर 4 पॉसिबल टॉपोलॉजीज ऑन एक्स, अगर कोई सेट एक्स 4 एलिमेंट कंटेन करते, ठीक है, सॉरी 2 एलिमेंट कंटेन करते, तो उसके ऊपर 4 पॉसिबल टॉपोलॉजीज होंगे, ये एक्स ए बी, तो इसके ऊपर 4 किस्म के टॉपोलॉजीज, 4 पॉसिबल टॉपोलॉजीज है, 4 से ज्यादा नहीं। इफ सेट एक्स कंटेन्स 3 एलिमेंट्स देन देयर आर 29 पॉसिबल टॉपोलॉजीज ऑन एक्स, ठीक है, अगर 3 कंटेन करता है एलिमेंट तो इसके ऊपर कितने, 29 पॉसिबल टॉपोलॉजीज। इफ एक्स कंटेन्स 4 एलिमेंट्स देन देयर आर 355 पॉसिबल टॉपोलॉजीज ऑन एक्स, 4 एलिमेंट्स के लिए 355 पॉसिबल टॉपोलॉजीज। सिमिलरली इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉपोलॉजीज ऑन इट आल्सो इंक्रीज, अगर हम नंबर इंक्रीज करते हैं एक्स में तो उसके ऊपर जो नंबर ऑफ टॉपोलॉजीज है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो जनरल फार्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉपोलॉजीज ऑन अ गिवन सेट, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई जनरल फार्मूला नहीं है जिसी के थ्रू हम ये फाइंड कर सकते कि इस एक्स या इसी सेट के ऊपर कितने पॉसिबल टॉपोलॉजीज है, ठीक है। अच्छा, अब लेक्चर के आगाज़ में मैंने आप लोगों को कहा था कि इसी के ऊपर जो है हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये जो है एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ था, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हम इस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये आई मैंने कहा आप लोगों को कहा था कि ये इंडक्शन सेट है, तो इसी के ऊपर मैं अभी थोड़ा नज़र डालता हूँ। लेट सपोज आई हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, ठीक है। अब इस आई में जो ये फर्स्ट एलिमेंट है आई, ये मैं एज ए इंडेक्स यूज़ करता हूँ किसी सेट के लिए, एनी सेट के लिए। लेट सपोज ए हमारे पास एनी सेट है और इसको मैंने लेबल दे दिया 1। अब ये सेकंड, ये जो सेकंड मेंबर है 2, मैं
किसी दूसरे सेट के लिए एज ए लेबल यूज़ करता हूँ, लेट सपोज ए टू ए थ्री, किसी तीसरे सेट के लिए एज ए लेबल ए थ्री। तो ए वन ए टू ए थ्री हमारे पास तीन डिफरेंट सेट्स है, ठीक है। अब इन ये सेट जो है ना, अगर मैं किसी सेट में बंद कर दूँ, यानी सेटों का सेट ले, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं ए लेमडा, ठीक है, सच देट लेमडा। तो ये लेमडा कहाँ से बिलोंग करता है, आई से, लेमडा बिलोंग टू आई। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक है। अब इसका यूनियन हम किस तरह ले सकते हैं, इसका यूनियन हम, ठीक है, अगर यूजुअल इसका ए वन ए टू ए थ्री का अगर हम यूजुअल यूनियन लेते तो किस तरह, ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री, ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। अगर यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास सेटों की तादाद 100 हो, 1000 हो, तो फिर ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो इसके लिए शॉर्टकट जो मेथड है, ठीक है, वो हम इस तरह लिखेंगे, इसका यूनियन यूनियन ए लेमडा, ठीक है, लेमडा बिलोंग टू इंडेक्स एंड सेट, और इसको हम ये कहते हैं यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक है, जो यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, ये क्या है, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक है, और ये क्या है, यूनियन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। अगर ये तीन जो सेट है इसका अगर हम इंटरसेक्शन लेना चाहें, ठीक है, तो यूजुअल हम इस तरह लेते हैं ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री, फिर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, शॉर्टकट हम किस इस तरह लिखते हैं, इंटरसेक्शन ए लेमडा, लेमडा बिलोंग टू इंडेक्शन सेट, और इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम थोड़ा नज़र डालते हैं कि ये इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स, अच्छा ये आई जो है ना, इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग सेट, इंडेक्सिंग सेट, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स, और इस आई को हम क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग सेट। अच्छा, अब इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं कि ये इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट वाला नोशन हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे तो है एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा बिलोंग टू टा, अगर यहाँ पे हो, ठीक है, लेट सपोज फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ टा, तो इसके लिए हम इस तरह लिखते हैं फाइनाइट के लिए कि लेट सपोज यू वन यू टू यू थ्री एंड डक टू सोन यू एन, फाइनाइट के लिए बिलोंग टू टा, तो इसका यूनियन हम किस तरह लिखते, अगर फाइनाइट होता, यूनियन यू लेमडा, ठीक है, लेमडा रन फ्रॉम वन अप टू एन, ठीक है, फाइनाइट के लिए, अगर यहाँ पे था द यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर का ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ था इनफाइनाइट होता, तो हम किस तरह लिखते, के लेट यू वन यू टू एंड अप टू वन बिलोंग टू था, देन फिर उसका यूनियन हम इस तरह लिखते, ठीक है, यूनियन यू लेमडा, लेमडा रन फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी, अगर इनफाइनाइट होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो है एनी नंबर, तो एनी नंबर से यह मुराद है कि ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। यहाँ पर हमें मालूम नहीं है कि कितने मेंबर है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो उस सूरत में, ठीक है, जब हमें मालूम ना हो यहाँ पे एनी नंबर या आर्बिट्री नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, तो उस सूरत में हम ये इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एनी नंबर ऑफ मेंबर, तो यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे कि यू लेमडा सच डेट लेमडा बिलोंग टू इंडेक्सिंग सेट, और इसका यूनियन हम किस तरह लिखते हैं, यूनियन यू लेमडा, लेमडा बिलोंग टू इंडेक्सिंग सेट, ठीक है। तो सिंपल ये है कि अगर एनी नंबर ऑफ मेंबर हो, तो एनी नंबर ऑफ मेंबर है, ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम ये इंडेक्सिंग सेट वाला क्या है, ठीक है, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन अगर फाइनाइट होता तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, अगर इनफाइनाइट होता तो ये वाला, तो ये वेरी सिंपल, ठीक है, और ये आई क्या है, इसमें जस्ट नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर, वन टू थ्री,
ये डिपेंड करता है, अगर आपने यहाँ पे इसमें जो है ना कलेक्शन में तीन सेट लिए तो ये 3 तक होगा, अगर आपने कलेक्शन में 4 तक लिए तो ये 4 तक होगा, अगर आपने इस कलेक्शन में 100 तक लिए है तो यहाँ पे ये 100 तक होगा, अगर आपने इनफाइनाइट लिए तो ये इनफाइनाइट, इस तरह 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दूसरे साथी के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।